हेलो एवरीवन, यह 30 जुलाई प्रीलिम बूस्टर का आर्टिकल। तो हर एक इवनिंग ये आर्टिकल डिस्कस की जाती है। सुबह में मेंस पर्पस से आर्टिकल डिस्कस की जाती है, एडिटोरियल, और इवनिंग में प्रीलिम बूस्टर आर्टिकल। तो आप पहली बार हैं तो पूरा वीडियो को देखें, सही लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो पहला आर्टिकल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, तो इसका मकसद क्या है? पहला इसके फीचर है कि एक ही रेगुलेटर होगा जो सारे हायर एजुकेशन को हैंडल करेगी, एक ही रेगुलेटर मॉनिटर करेगी सारे हायर एजुकेशन को। दूसरा ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से चेंज कर दिया गया। तीसरा इसका लक्ष्य है कि 26.3% 2018 तक हमारा इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, तो 50% तक इसको करना है 2035 तक, इसमें लक्ष्य रखा गया है। चौथी बात यह है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरली होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विथ फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड क्रिएटिव कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो ये की जाएगी। पांचवी बात यह है कि इट ऑल्सो प्रपोज द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट विद अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। तो पांचवी बात हो गया। छठी बात यह है कि अंडर ग्रेजुएट के जो क्लासेस है इसको 3 से 4 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। सातवीं बात यह है कि इसमें जो भी एफिलिएशन चाहिए होगा कॉलेज को, तो इसको फेज़ वाइज मैनर में 15 साल का एक मैकेनिज़्म होगा, स्टेज वाइज होगा, जो यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेज को ग्रांट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए 15 साल का जो है एक फ़ेज़ वाइज एक मैकेनिज़्म होगा इसको इसको परमिशन इसको अथॉरिटी में लाने के लिए। आठवीं बात यह होगी कि ये सिंगल रेगुलेटर होगा जो सबसे ऊपर में हमने बात की। नौवीं बात यह है कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सारे यूनिवर्सिटीज़ और सारे जितने भी इनरोलमेंट होगा हायर एजुकेशन में, उसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, मतलब टेस्ट ली जाएगी पहले एडमिशन लेने से पहले। और ये टेस्ट जो कंडक्ट करेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कंडक्ट करेगी। तो ठीक है, देखते हैं आने वाले वक्त में न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से नुकसान है या फ़ायदा है। वैसे नुकसान तो नहीं होना चाहिए, फ़ायदा ही होगा। अगला आर्टिकल है लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग ये क्या होता है? प्रीलिम्स इन्वायरमेंट से आर्टिकल को रिलेट करें तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, तो इसके हिसाब से बताया जा रहा है कि बच्चों में सीसा विषाक्त तो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। लीड पॉइजनिंग, सीसा विषाक्त, एक तरह का पॉइजन जो कि वाटर में, फूड में और ये सब चीज़ों में होता है जो बच्चों के अंदर, ये ज़्यादा पाया जा रहा है। तो अफेक्टेड बताया जा रहा है कि भारत में ये हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा, जिसकी उम्र तकरीबन बच्चों में, उम्र यहाँ पर नहीं बताई जा रही है, बच्चों में अधिकतर 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से बच्चों के रक्त में जो है लीज पॉइजनिंग पाया जा रहा है, मतलब सीसा विषाक्त जो कि ब्लड में पाया जा रहा है। खासतौर से हमारे देश में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है बच्चों में। तो फॉक रेमेडीज कॉस्मेटिक यूज बाय हाउस होल्ड एंड कंटेन लीड घासड इंडियन फॉक मेडिसिन हैज़ ए लीड, तो ये बात है। अगला आर्टिकल है साइबर सिक्योरिटी लैपसेस एट NPCI। तो पहले आप NPCI क्या है ये जान लो। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे जितने भी डिजिटल पेमेंट है सबको रेगुलेट करने का काम करती है। या फिर आप डेबिट कार्ड के जरिए जो पेमेंट निकालते हो, या फिर ऑनलाइन जो भी आप मैनेजमेंट KYC करके आप जो भी आप टूल्स इस्तेमाल करते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी इस्तेमाल करते हो, वो सब का रेगुलेट करने वाला NPCI है। तो NPCI पर एक ऑडिट आया, एक रिसर्च सामने आई है, ऑडिट हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी निकल करके आई है कि NPCI के डाटा कुछ इस तरह से है, इतने सेंसिटिव है कि ये डाटा भी हैक किए जा सकते हैं। ठीक है, तो NPCI रुपए कार्ड नेटवर्क को रेगुलेट करती है, इनके अंदर में ये चीज़ होता है। तो ऑडिट में ये बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इन्होंने ओवरव्यू दिया कि NPCI डिफेंस अगेंस्ट साइबर अटैक, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर NPCI काफ़ी साइबर अटैक के रडार पर है और ये चीज़ें हैक हो सकती है, कुछ चीज़ें काफ़ी थ्रेट पहुंचा सकती है, नुकसान हो सकता है। तो ऑडिट है अंडर स्टोरेज तो डाटा सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस बाय द NPCI द प्रोसेस इंटर बैंक फंड ट्रांसफर ATM ट्रांजेक्शन एंड डिजिटल पेमेंट। तो काफ़ी सारे सिस्टम से जो काम कर रही है वहाँ पर काफ़ी चैलेंजेज डाटा सिक्योरिटी को लेकर, NPCI काफ़ी लू फॉल्ट है कई जगह पर, तो हैक की गुंजाइश कुछ ज़्यादा है। अगला आर्टिकल है जॉय काली टेम्पल। जॉय काली टेम्पल प्रीलिम्स आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। तो ये वो टेम्पल है जो बांग्लादेश में हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके 2016 में MOU हमारा साइन हुआ था बांग्लादेश के साथ। तो इसमें जो भी खर्च होगा भारत सरकार एफोर्ड करेगी और इसको, इस टेम्पल को बनाएगी, वैसे बनाएगी नहीं, ये बन चुका है और इसका इनोग्रेशन भी हो चुका है। अगला आर्टिकल है नातेसा आइडोल। तो एक ये
पत्थर की मूर्ति है, ठीक है, प्रीलिम्स आर्ट एंड कल्चर से आर्टिकल को रिलेट कीजिए, तो ये 9th सेंचुरी से बिलोंग करता है। और प्रातिहारा स्टाइल ऑफ राजस्थान, ये एक बताया जा रहा है कि इस स्टाइल से, मतलब उस टाइम के प्रातिहारा कोई नाम होगा, ठीक है, तो उस टाइम से ये जुड़ा हुआ बात है। और विल रिटर्न टू इंडिया आफ्टर बींग स्मगल्ड टू लंदन। तो ये प्रातिहारा जो स्टाइल, जो आइडल था, जो मूर्ति थी, ये चुरा लिया गया था भारत से, लंदन में किसी ने जाके भेज दिया था, तो ये भारत वापस ले आया गया है, ठीक है। और बताया जाता है कि तकरीबन ये 4 फीट जो है लंबा है, और इन ब्रिलियंट डेप्सिटी ऑफ शिवा, यानी कि एक मूर्ति है, ये शिव की मूर्ति है, ठीक है। तो लंदन में किसी ने, स्मगलर ने, किसी ने चोरी करके भेज दिया था, अब इसे वापस ले आया गया है। आप इसका नाम याद रखना, नाथेसा प्रातिहारा, ठीक है। अगला आर्टिकल, तो चलो आर्टिकल कंप्लीट हो गया, तो ठीक है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है फिर से सुन लो, स्क्रीनशॉट लो और उसका नोट्स बनाओ। थैंक यू।